भाजपा के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का सुपल में भाजपा जिलाध्यक्ष नसीर अहमद लोन ने भव्य स्वागत किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का शुक्रवार को कार्यकर्ताओं सहित सुपल ब्रिज पर भाजपा अध्यक्ष नसीर अहमद लोन ने भव्य स्वागत किया। महासचिव मजूर अहमद डार, उपाध्यक्ष केसर अहमद राठेर, जिला सचिव नजीर अहमद डार सहित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बांदीपुरा के रास्ते में सुपल पुल पर उनका स्वागत किया, उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान SDM सुबल, DSP सुबल व तहसीलदार सुबल ने भी पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। पत्रकारों से बातचीत में अश्विनी कुमार ने कहा कि वह जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति को देखकर खुशी हुई। कश्मीर आतंकवादियों के लिए गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब वह युग खत्म हो गया क्योंकि कश्मीर अब आतंकवाद मुक्त है। जम्मू कश्मीर में शांति लाने का श्रेय कश्मीर के लोगों को भी जाता है, क्योंकि लोगों के समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। आज जो हमारे पास मिनिस्टर सब आ रहा है, ये तो आज का दौरा नहीं, तकरीबन 5-8 जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने दौरा किया डिस्ट्रिक्ट मणिपुरा। मैंने अभी भी कहा कि जो यहाँ पर पेंडिंग जो काम रह गए थे, बहुत ही काम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मणिपुरा की बात अगर करें, अगर देखा जाए आज कितने काम यहाँ पर हो गए, कितने प्रोजेक्ट बने हैं, तो ये इन्हीं की बदौलत बने हैं कि BJP दौर जब से आ गया इस जो J&K में, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर हो गया, बहुत ही अच्छा विकास हो गया। तो आज जो मिनिस्टर आ रहा है खाली नहीं आ रहा है, कुछ देने के लिए आ रहा है डिस्ट्रिक्टों में। यूनियन मिनिस्टर दिल्ली से आता है, वो यहाँ पर चाय पीने के लिए नहीं आता या घूमने के लिए नहीं आता है, वो डिस्ट्रिक्ट में कोई काम पेंडिंग हो वो करने के लिए आता है। अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में बहुत ही काम जो पेंडिंग थे, तो जो आज आ रहा है दुबई साहब जो आ रहा है और खटाना साहब 10-11 को आ रहा है, तो हम यही उम्मीद लेके जो मेरी डिमांड्स है इस डिस्ट्रिक्ट मणिपुरा की डिमांड्स है, चाहे गुरेज मणिपुरा सोनावारी जितने भी हमारे डिमांड्स है वो हम आज के रखेंगे वहाँ पे, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट मणिपुरा में जितने भी मुश्किल आते हैं वो हल हम इंशाल्लाह बहुत ही है। तो आज हम भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नया अच्छा सा कोई इकदम उठाए यहाँ की जो यूनियन मिनिस्टर है, कि बहुत ही बेरोजगारी अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमने इसको रखा है कि बहुत ही यहाँ पर अगर एक स्पेशल SPO भर्ती हो जाए, ताकि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मणिपुरा में जो लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अभी सभी जगहों पर वहाँ विजिट है, जो विकास की योजनाएं हैं और जो विकास हाल के दिनों में होने हैं उस सब के बारे में समीक्षा होगी। वहाँ से DC के साथ पब्लिक, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो जनप्रतिनिधि है, उनके साथ इंटरेक्शन है, आम जनता के साथ इंटरेक्शन है, कुछ विकास योजनाओं को हम देखेंगे। ये बदलता हुआ कश्मीर बहुत बड़ी बात है जी, मतलब विगत 2 सालों में कश्मीर की जो इधर का 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर फिर वही कश्मीर है। मैं आया था इस कश्मीर की धरती पर पहले, उस समय जो एक आतंक का माहौल था, लेकिन आज जनता ने यहाँ का माहौल ठीक किया है। कश्मीर की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के और अमित भाई ने जिस प्रकार से माहौल ठीक किया, उसमें कश्मीर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।